मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। आज की मेरी रेसिपी है मटर का पराठा। और आपने देखा होगा मटर को पीस कर पराठा बनाते हैं, पर मैं आज मटर को मैश करके बनाऊंगी। इससे क्या होता है, जब हम पराठे को खाते हैं तो हर बाइट के साथ जो मटर का फ्लेवर, मटर का टेस्ट आता है वो बहुत ही अलग होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मटर का पराठा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन लेंगे, पैन में हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 पिंच ऑफ हींग, और यहाँ पर मैं 5 से 6 चॉप गार्लिक ले रही हूँ, 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। इसको हम चलाते हुए 1-2 सेकंड तक सॉटे कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद में हम ऐड करेंगे 1 बाउल मैंने मटर के दाने लिए थे। मसालों के अंदर मटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है, पैन को कवर कर देना है और हमें मटर को 5 मिनट के लिए कुक करना है। 5 मिनट के बाद में हम देखेंगे कि मटर अच्छे से पक चुकी है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ स्पून से। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और पोटैटो मैशर से हम मटर को मैश करेंगे। आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं, क्योंकि मटर काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है तो स्पून से अच्छे से मैश हो जाएगी। तो हम पोटैटो मैशर से इस तरह से मैश कर देंगे। अच्छे से मैश हो चुकी है। बस यही ध्यान रहे कि स्टफिंग के अंदर कोई भी मटर का दाना नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं तो जब हम पराठे बनाएंगे तो स्टफिंग बाहर आ सकती है। अब हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो कितनी अच्छी दिख रही है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर डो तैयार किया है। सिर्फ मैंने आटे में नमक मिक्स किया है और आपको रोटी जैसा ही सॉफ्ट आटा तैयार करना है। इसके बाद में हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। जब हम फ्राई करेंगे आप घी भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा हमें सूखा आटा लेना है। इसके बाद में हम आटे से लोई तोड़ेंगे। जितनी भी आपको लेनी है, छोटा पराठा बनाना है या फिर बड़ा पराठा बनाना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा मीडियम साइज की लोई ले रही हूँ। सूखा आटा लगाते रहेंगे, थोड़ा सा हम पूड़ी जितना बेल लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम स्टफिंग करेंगे। अब हमें इस तरह से इसके फोल्ड्स बनाने हैं। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। इसको आप मोमोज की तरह या फिर मोदक की तरह बना लीजिए। जो एक्स्ट्रा आटा है वो हटा दीजिए। अब लोई के दोनों तरफ हमें सूखा आटा लगाना है और इसको रोटी से बड़ा बेलना है। ध्यान रहे किनारे हमें थोड़े पतले रखने हैं और थोड़े हल्के हाथों से हमें इसको बेलना होगा सूखा आटा लगाते हुए। अब हमें हथेलियों से इस तरह से करना है। इससे क्या होगा, पराठे का जो एक्स्ट्रा आटा है वो झड़ जाएगा। चलिए तो हम पराठे को सेकते हैं। तो यहाँ पर पैन गर्म हो चुका है, पराठा पैन के ऊपर डाल देंगे। एक साइड से सिक जाने के बाद में पराठे को पलट देंगे, ऊपर से ऑयल या घी लगाएंगे एक ब्रश की हेल्प से। अब पराठे को हम पलट लेंगे और दूसरी साइड भी हम ऑयल लगाएंगे। अच्छे से हमें प्रेस करते हुए हाई फ्लेम पर ही पराठे को सेकना है। देखिए मटर का पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे और पराठे को हम टिश्यू पेपर पर निकालते हैं। इस पराठे को आप चाय के साथ, दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से पराठा कितने अच्छे से सिककर तैयार हो गया है। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड बाय।